सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो यार। अब हम बताने वाले हैं 0.18 अपडेट के बारे में, जिसके बारे में हम ऑलरेडी स्ट्रीम कर चुके हैं। तो यार इस वीडियो में 10 चीज़ें मैं बताने वाला हूँ जो जो इस अपडेट में आने वाली है। पहली अपडेट में जो चीज़ आने वाली है बढ़िया, वो आने वाली है भाई एक पार्क आने वाला है, चेयर पार्क, जो भाई आप अलग से अपने लिए बना सकते हो, आप यहाँ पर खेल सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, सारी गन वगैरह आपको यहाँ मिल जाएंगी। चेयर पार्क आ रहा है, बैठ सकते हो वहाँ, काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो, आप अपना चेयर पार्क कार्ड मिल जाए, रूम कार्ड की तरह अलग से बना सकते हो, सभी दोस्त 10 20 30 40 कितने भी उसे ज्वाइन कर सकते हो भाई, आराम से खेलो, कॉम्पीट करो, मजे करो यार, बहुत ही सही चीज़ है यार वो, और आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। पूरी टीम के साथ जाके ग्रुप डिस्कशन सब कुछ कर सकते हो, डिस्कशन वगैरह इम्प्रूव कर सकते हो, वहाँ पर गेम खेल सकते हो जिससे आपको कार्ड वगैरह मिल जाएंगे। तो यार बहुत ही अच्छी जगह है, मज़ा आएगा। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस अपडेट में आने वाली है, वो आने वाला है भाई विंचेस्टर में 2.75x आने वाला है। ऑलरेडी हम देख चुके हैं काफ़ी जगह, बट यस मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, इस वीडियो में विंचेस्टर आने वाली है स्कोप के साथ, जो कि बहुत ही तबाही मचाने वाली चीज़ होगी यार, मज़ा आएगा भाई। तीसरी चीज़ जो भाई इस अपडेट में आने वाली है वो आ रही है कैंडिड साइट, ऑलमोस्ट एवरी गन में वो लगेगी। दूर मानो आप स्नाइप कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो भाई, अचानक से चेंज करो और भाई कैंटेड साइड से क्लोज रेंज में कोई बंदा है तो उसे मार दो, ठिला दो भाई, बहुत ही सही चीज़ ये आने वाली है। चौथी चीज़ जो इस अपडेट में आपको देखने को मिलेगी, वो मिलेगी सैनोक में, एक तरह से कह सकते हैं सैनोक 2.0 यहाँ पर आ चुका है भाई। आप जाओगे, ऑलरेडी हमने एक स्ट्रीम पर ये सब देख चुके हैं, बहुत ही क्रेजी अपडेट है भाई, मस्त चीज़ आने वाली है। आप जाओगे भाई भान के पास और वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप स्क्रीन पे देख सकते हो यार, क्या ही मतलब अजीब चीज़ ये ला रहे हैं। अभी हम लैंड करते हैं, आपको दिखाते हैं भाई। यस ये एक तरह से गोल्ड स्टैचूज यहाँ पर आ गई हैं भाई, पूरी 8 यहाँ पर हैं, यहाँ पर 3 आपको नीचे देखने को मिलेंगी, 7 हैं यहाँ पर, 3 आपको नीचे देखने को मिलेंगी, 3 राइट 3 लेफ्ट, एक ऊपर जो मेन स्टैचू है। आपको यहाँ पर क्या करना है, आप यहाँ पर फल वगैरह भी होते हैं यार, उन्हें खोद लो तो यार एनर्जी मिल जाएगी, जिससे एक ही स्टैचू से आप बार बार कुछ भी सामान ले सकते हो, इन्वोक कर सकते हो, पूजा कर सकते हो एक तरह से उनकी, जैसे मैं अभी खा रहा हूँ। और भाई 7 यहाँ पर है, एक मैं जो 8 कह रहा था, 8 आपको वहाँ मिलेगी जहाँ आप हॉट एयर बैलून लेने जाओगे, वो हमारी अगली चीज़ है, जल्दी पता चल जाएगा। आप यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पे यार, पूजा वूजा करो और सामान मिल रहा है हमें, जैसे बैरल मिल गई और ये और भी नई चीज़, मस्त मस्त चीज़ है भाई पबजी वाले डाल रहे हैं, बट इसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है अपडेट का। आप देख सकते हो भाई मैं हर एक को इन्वोक कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, यहाँ पर डांस वगैरह भी है जो कि कुछ ग्लिच की वजह से अभी नहीं दिख रहा है, बट मैं आपको दिखा दूंगा इसी वीडियो में। तो आप देख सकते हो यार बहुत ही सही सही चीज़ें आ रही हैं इस अपडेट में, इन्वोक कर रहा भाई, पूजा वूजा कर रहा है, 3x मिल गया, बैरल मिल गई, लेवल 3 की वेस्ट मिल चुकी है, जल्दी हमें और भी चीज़ मिल जाएंगी। आप देख सकते हो यार मतलब बढ़िया चीज़ है यार, बोट वोट भी आ जाए तो यार उन्हें पेलना वेलना पड़ता यार, इसमें मेरी सेंसिटिविटी बेकार है। और आप यहाँ पर वापस आके पूजा वूजा कर सकते हो, देखो जैसे कि कर रहा है, इन्वोक कर रहा है। तो ये एक तरह से सैनोक में एक ही जगह देखने को मिलेगी, बट ये हॉट ड्रॉप बनने वाला है भाई, देख रहे हो क्या ही सामान मिल रहा है भाई, क्या ही सामान मिल रहा है, फ्लेयर वगैरह तक मिल रही है भाई, क्या कहोगे भाई। ये सब चीज़ें अगर आपको यहाँ मिलने लग जाए तो कोई कहीं और क्यों जाएगा, बूट कैंप फेल हो जाएगा भाई, कह रहा हूँ मैं फेल हो जाएगा। जो 4x मिल गया, जो पत्थर से आ रहा है इसका भी अलग काम है, आपको भाई जल्दी बताएंगे कि इस पत्थर से क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं। बाकी आगे देखो लेवल 3 का फुल सामान हमें ऑलरेडी मिल चुका है, और हमें फ्लेयर भी मिल गई है भाई, देख रहे हो हेलमेट वगैरह भी मिल गया था इसमें, और यहाँ पर डांस करने का हेलमेट मिल गया था बट स्किप कर दिया यार, क्या क्या देखोगे, बोर हो जाओगे। चलते हैं अपनी फिफ्थ चीज़ में हम देखेंगे कि भाई हॉट एयर बैलून्स यहाँ पर हवा में उड़ने लग जाएंगे, बहुत ही अच्छी चीज़ है भाई ये, मतलब बंदों को स्कोर्ट करो, सैनों को मैं साफ आप लौट रहा हूँ, इजीली किसी को भी स्कोर्ट कर सकते हो यार, जाओ बैठो घूमो उड़ो, बस उसमें एक दिक्कत है, अंदर भी आपको सामान मिलेगा, आप उड़ा सकते हो इसको इजीली, अच्छी हाइट पे आप इसको ले जा सकते हो, बट दिक्कत जब आएगी वो ये होगी कि आप इसके अंदर जाके गन यूज़ नहीं कर सकते हो, और भी काफ़ी सारी चीज़ें भाई, क्रेजी लग रहा है यार, ऊपर से इतने सारे हॉट एयर बैलून, बहुत ही ज़्यादा मस्त लगने वाला है। सैनोक का जो अपडेट आ रहा है बहुत ही सही अपडेट होने वाला है। अभी आप देख सकते हो यार चारों तरफ हम सबसे ऊपर आ चुके हैं, एक हाइट है इसके ऊपर नहीं जा सकता ये, या पहुँच गए मैक्सिमम हाइट, और भाई बहुत सारी हॉट एयर बैलून आपको साइड में उड़ते हुए दिख सकते हैं, देखेंगे भाई आगे क्या क्या सीन होगा, यहाँ पर आपको मैं सब कुछ दिखाने वाला हूँ अपडेट में क्या क्या आने वाला है। और हाँ मैं भूल गया अपडेट बताना, अपडेट भाई 7 मई को आ रही है, कंफर्म है ये, देखना भाई वापस से बता रहा हूँ 7 मई को ये अपडेट आ रही है, और भाई मेरा मार 2.0 आ जाएगा, जिसके बारे में
दो चीज में दिखा सका, और भी नई नई चीज हम दिखाने वाले हैं, दो चीज में दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। और भाई देखो देख देख सकते हैं, इमोट्स वगैरह आ चुके हैं इसमें डांस वगैरह वाले देखने वाले। और अगर आप कूदोगे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप पैराशूटिंग करोगे। और तो भाई देखो सिक्स चीज में आएगा ये पर्पल मोड, ये है ब्लू जोन मोड, जैसे आर्कटिक मोड आया था वहीं पर आएगा ये वो ग्राउंड में। इसमें आपको पहले तो व्हाइट जोन में रहना है, जो हमारी व्हाइट सर्कल है उसके अंदर, ब्लू जोन में नहीं रहना है, हेल्थ जाएगी। जब सर्कल ऊपर से व्हाइट जोन पर आ जाएगा श्रिंक हो जाएगी और वो पर्पल जोन व्हाइट जोन बन जाएगी और उसके अंदर एक और पर्पल जोन बन जाएगी। तो ऐसे कर करके छोटे होते चले जाएंगे भाई ये जोन, जोन के अंदर जाओगे डैमेज पड़ेगी, नॉर्मल बात है, बाहर आओगे तो सही हो जाएगी आपकी हेल्थ वगैरह। तो ऐसे रहना है, कोने कोने पर रहना, और आप ये चिकन ले लो यार। और जो ये सातवीं चीज आ रही है भाई, ये आ रही है मीरामार 2.0 में, दो मोड होने वाले हैं और शायद ये परमानेंट हो जाएंगे। एक तो आ रहा है सैंडस्टॉर्म मोड भाई, इसमें क्या होगा एक स्पेसिफिक जगह पे, जैसे आप मैप पे देख सकते हो साइक्लोन होगा भाई, एक तरह से सैंडस्टॉर्म धुएं का तूफान कह सकते हो यार। चारों तरफ आप देख सकते हो गोल गोल विंड्स ग्लोरियस में, आवाज थोड़ी सी याद आएगी विंड्स की, शायद आपको ना आ रही हो। और आपको सिर्फ इसी एरिया में देखने को मिलेगी, आसपास की सारी चीजें क्लियर मिलेंगी। यहाँ पर आपको धूल वूल और ये पत्ते वत्ते अखबारा वगैरह ये सब उड़ते हुए दिख जाएंगे। अगला जो एर्थ अपडेट इसमें आ रहा है वो आ रहा है भाई डस्ट हेज मोड। भाई भाई धूल भरी हवाएं आंधी जो भी कहोगे वो इस मोड ने वाली है भाई। इतना नीचे आने के बाद भी आपको कुछ नहीं दिखने वाला, आप कहाँ जा रहे हो, किस घर में जा रहे हो, नीचे एनिमी है या फिर नहीं है। बहुत ही गलत अजीब अपडेट आ रही है यार ये, तो आप देख सकते हो यार बहुत ही, क्या ही बताऊँ यार क्या ही चीज है। डस्ट हेज मोड एक तरह से कोहरा जो इरेंगल का है हमें मीरामार में धूल के टाइप में मिल जाएगा भाई। नौवीं जो अपडेट या फिर नौवीं चीज जो आएगी वो आएगी डस्ट हेज मोड में, पहले तो कुछ दिखने का नहीं, अंदर आप जाओगे हर मोड में मीरामार में हर जगह जहाँ भी ये मशीन मिले, दवा के एनर्जी ड्रिंक ले लो, पेन किलर ले लो, मशीन में से एनर्जी ड्रिंक मिलने वाले हैं। और हर जगह भाई एक चीज नॉर्मल हुई है, हमारे कोल्स बढ़ा दिए गए हैं, मतलब जो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह होती हैं, और पेड़ वेड़ बढ़ा दिए गए हैं। और कुछ देर बाद ये मशीन ऑफ हो जाएगी, वापस से कुछ देर वेट करो, थोड़ी देर में सही हो जाएगी, वापस से एनर्जी ड्रिंक वगैरह ले सकते हो। दवा के मतलब लूट की दिक्कत इस मैप में आपको अब बहुत ज़्यादा कम मिलने वाली है, मतलब सब कुछ आने वाला है इस तरह तक। तो और ये यार बहुत ही गलत सीन होने वाला है, मज़ा ही आ जाएगा इस मैप को खेलने में। बस डस्ट हेज मोड में कुछ दिखने का नहीं है, वो अलग बात है, आप देख सकते हो दवा क्या, एनर्जी ड्रिंक वगैरह क्या सीन हो रहा है, दवा के उठाओ दवा के पियो कोई दिक्कत नहीं है, फ्री के फ्री का माल है भाई पीते जाओ। आप देख सकते हो डस्ट हेज मोड में कुछ नहीं दिखता है, आर पार भागते रहो कुछ भी करते रहो कुछ फायदा नहीं है भाई। देख रहे हो हवा ऐसे बह रही है, धूल बह रही है, कुछ नहीं दिख रहा है। ये है हमारा मीरामार 2.0 और जगह जगह आपको पेड़ वेड़ घास वास नॉर्मल से ज्यादा दिखने वाली है भाई। बाकी 10th जो इस अपडेट में चीज आ रही है, 10वीं चीज जो आ रही है भाई वो ये आ रही है कि आप अपनी कोई सी भी गन को अपनी मर्जी से कर सकते हो पेंट, कोई सा पेंट कर सकते हो, कोई सा स्टिकर लगा सकते हो, बहुत ही अच्छी तरह से कुछ भी कर सकते हो। बहुत ही कूल अपडेट है भाई मेरे हिसाब से, स्टिकर्स लगाओ कोई सी गन लो, बस ये पेंट आप पे लिमिटेड होगा, ज्यादा खरीदने के लिए वही पबजी वाले लूटेंगे। यूसी यूसी खर्च करो, पेंट खरीदो, स्टिकर्स खरीदो, बहुत ही सही सी आने वाले, अपने मतलब अपनी खुद की स्किन बना लो यार एक तरह से। बस लिखने वाला सीन नहीं आया, बस वो भी आया था नाम वाम लिख लेते भाई बंदे सब अपना अपना। तो भाई आप देख सकते हो मैं पेंट वेंट कर रहा हूँ यार यहाँ पर स्क्रीन पे, आप देख सकते हो बहुत ही सही है यार, मतलब कुछ तो नया ला रहे हैं पबजी वाले, वो लगवा था बग्स ग्लिचेस हैकर्स नहीं रिमूव कर रहे हैं, बाकी ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी यार यहीं पर और वर्कशॉप में आपको मिलेगा ऑलरेडी। और मस्त मस्त स्किनें एक जो अभी दिखी थी वो भी आ सकती है जल्दी ही। अपडेट इसलिए कह रहा हूँ ये सबको पता है भाई, जगह जगह ऐसे भाई गाड़ियाँ कुदाने वाली चीज़ें बन जाएंगी, ट्रैक्स बन जाएंगे, ट्रैक्स बिक जाएंगे और भाई यहाँ से बहुत मजा आने वाले हैं। और जगह जगह ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, चीयर पार्क में मज़े करो, हर जगह मज़े करो। ये अपडेट काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है, हो सकता है सैनो को ये अपडेट अलग अलग दे, बट अगर ये एक साथ आ जाता है 7 मई को तो भाई बहुत मज़ा आएगा और बहुत बड़ा अपडेट होगा। तो भाई उस दिन हम स्ट्रीम करेंगे, बाकी होप यू हैव एंजॉयड। अगर ऐसी प्रीमियर और चाहिए तो यार बता देना, मिलते हैं एक नई वीडियो में, अभी के लिए बाय।